हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा नवीन फ्लोराइड के शेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स, इसकी हिस्ट्री, रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात करूंगा दोस्तों, फोरकास्ट देखूंगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछे हैं, उसके जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में मैं करूँगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में, उसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं इस नवीन फ्लोराइड कंपनी के बारे में। दोस्तों, ये जो नवीन फ्लोराइड कंपनी है दोस्तों, ये 1998 को स्थापित की गई थी। नवीन फ्लोराइड जो कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक्चुअली इंडस्ट्रियल हाउस है। पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप जो है, पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप, उनकी एक्चुअली ग्रुप की ये कंपनी है दोस्तों, नवीन फ्लोराइड। बेसिकली ये जो कंपनी है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करती है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, केमिकल्स की कंपनियां हमेशा एक्चुअली ग्रो करती है दोस्तों। ये कंपनी का बेसिकली बिजनेस क्या है दोस्तों? बिजनेस दोस्तों ये है कि ये रेफ्रिजरेशन गैस, जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, एज वेल एज घरों के अंदर जो रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, उसके गैसेस बनाने के अंदर ये काम करती है दोस्तों। इसके अलावा केमिकल्स जो है उसके अंदर ये काम करती है। बल्क फ्लोराइड दोस्तों, जो फ्लोरिंग्स होती है उसके जो केमिकल्स होते हैं उसके लिए जो यूज़ किया जाता है, जो घरों के अंदर एक्चुअली जो फ्लोरिंग्स होती है उसके अंदर जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसके ऊपर, उसके उसके लिए ये कंपनी काम करती है। ऑर्गेनिक फ्लोराउट, मतलब वो जो एग्री केमिकल्स रहता है उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है, एज वेल एज ये कंपनी जो है ये रिसर्च के अंदर भी, केमिकल रिसर्च के अंदर भी ये कंपनी काम करती है दोस्तों। इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है दोस्तों, सूरत के अंदर, गुजरात, देवास के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर है, मतलब चार जगह पर इंडिया के अंदर है दोस्तों एज ऑफ नाउ। दोस्तों, ये जो नवीन फ्लोराइड है अभी एज ऑफ नाउ 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दोस्तों ये कमर्शियल स्केल पे एक्चुअली ये कंपनी बनाती है दोस्तों। 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर ये कंपनी काम कर रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं 45 साल का एक्सपर्टीज़ है इसके पास, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। दोस्तों, ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये ऐसा है कि ये बढ़ते ही रहने वाला है इंडिया जैसे कंट्री के अंदर दोस्तों। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं अगर शेयर करूँ तो इस कंपनी ने 2020 के अंदर 29% का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों, 29% का प्रॉफिट दिखाया है दोस्तों। इसीलिए ये कंपनी जो है, हालांकि कुछ दिनों के अंदर ये काफ़ी हाई इसने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ चार्ट के कुछ पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। किस की पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको, मिड कैप कंपनी है दोस्तों, 10,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी जो है 24 का है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है हमें। प्राइस टू बुक रेशो की अगर बात करें तो 7.7 का पी है, प्राइस टू बुक रेशो है दोस्तों। दोस्तों, अगर बात करें चार्ट पे तो आज इसके अंदर 3% की मैसिव गिरावट हुई है दोस्तों, 3% से दोस्तों 5% की गिरावट हो रही थी, मगर एक्चुअली आखिरी के कुछ घंटों में इसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई दोस्तों। एक वीक की अगर बात करें यहाँ पे तो 7% का मैसिव इसने रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को, 7% का मैसिव रिटर्न। और एक महीने की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो एक महीने के अंदर हम लोग देख सकते हैं 6% का रिटर्न इसने बना के दिया है। एक साल की अगर बात करें यहाँ पे तो 180% का रिटर्न बना के दिया है, 180% का बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। दोस्तों, ये रिटर्न दोस्तों 5 सालों के अंदर भी नहीं होता, इतना बढ़िया रिटर्न 1 सालों के अंदर बना के दिया है, मतलब 3 गुना, लगभग 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न इसने 1 साल में बना के दिया। अब देख लेते हैं 5 सालों का डेटा, 5 सालों में दोस्तों 739% का रिटर्न इसने बना के दिया है, 739, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने बना के दिया है। मैक्स डेटा देखें अगर हम लोग दोस्तों, तो 2007 से इस कंपनी ने, मतलब पिछले 13 सालों में दोस्तों इसने 3000% का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसने बना के दिया दोस्तों। अगर किसी ने सिप की होती 5 सालों तक तो उसको 229% का रिटर्न मिलता, जो कि काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। अब देख लेते हैं प्राइस फोरकास्ट, 12 एनालिस्ट ने इसको एनालाइज किया हुआ है, 50% बाई की रेटिंग दे रहे हैं,
50% नॉट बाय की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों। हायर साइड इसकी 16% की है और डाउन साइड 20% की है दोस्तों। इसमें रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में सेम ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड 16% की है और लोअर साइड 20% की है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें हायर साइड जो है वो ज़्यादा हो सकती है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। फाइनेंशियल देख लेते हैं इसके, फाइनेंशियल कैसे दोस्तों, फाइनेंशियल बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं दोस्तों। ईयरली 12% से ये कंपनी ग्रो कर रही है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। 2018 में 5,000 करोड़ का बिजनेस किया था इसने और 2020 के अंदर 1,094 करोड़ का बिजनेस किया हुआ है इसने। नेट इनकम की बात करें तो 2018 में 179 रुपये का करोड़ का एक्चुअली इसने नेट इनकम किया था। इस साल इसने डबल मतलब 408 करोड़ का नेट इनकम किया है दोस्तों। ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस काफ़ी बड़ा है, 12 से ईपीएस बढ़ के 82 का ईपीएस हो गया है, अर्निंग पर शेयर हो गया है दोस्तों। अब फ्री कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी के पास कितना है। फ्री कैश फ्लो 48 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो है। इसके कॉम्पिटिटर की बात करें यहाँ पर तो कॉम्पिटिटर इसके हैं आरती इंडस्ट्रीज, विनाती ऑर्गेनिक्स एंड अक्जो नोबेल इंडिया दोस्तों। इसमें सबसे सस्ती कंपनी अगर बोली जाए तो नवीन फ्लोराइड ही हमें दिख रही है दोस्तों। नवीन फ्लोराइड किसका पी जो है सिर्फ 24 का है, आरती इंडस्ट्रीज का, विनाती ऑर्गेनिक्स का, अक्जो नोबेल इंडिया का, सबका पी ज़्यादा है। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे आउट परफॉर्म जो है नवीन फ्लोराइड ने किया हुआ है यहाँ पे। अब देख लेते हैं होल्डिंग पैटर्न के बारे में। होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे तो 30% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, प्लेज होल्डिंग सिर्फ 1% के नेग्लिजेबल है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के पास 17% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 18% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 19% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज मतलब रिटेल निवेशकों के पास 31% की होल्डिंग है दोस्तों। अब बात कर लेते कौन से प्राइस पे हमें इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमें ये एंट्री करने के लिए अच्छा मौका है दोस्तों। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, यहाँ से 10-20% शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर जो है नीचे आके अपने हमें 1900 रुपये का लेवल भी दिखा सकता है दोस्तों। 1900 रुपये के लेवल पे हमें इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि बल्क में बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, चंक में बाइंग कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।